हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं रेगुलर अपडेट्स के लिए। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तरुण मलिक और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो श्राप होता है, काला जादू होता है, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनका सम्मोहन से क्या संबंध है। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि इस प्रकार की कोई चीज़ आपके साथ आपके जीवन में हो रही है, तो स्वयं से ही आप इससे कैसे छुटकारा भी पा सकते हैं। श्राप को इंग्लिश में हम बोलते हैं कर्स, यानी कि हम जब कुछ ऐसी चीज़, हम कुछ ऐसा स्टेटमेंट हम किसी दूसरे इंसान को बोल देते हैं जो कि उनके हित में बिल्कुल भी नहीं होती, जिससे उनका विनाश होना शुरू हो जाता है। ऐसा हमने बहुत सारी कहानियों में पढ़ा है, कई जगह लिखा हुआ देखा है और आज भी हम ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई दूसरा इंसान किसी को श्राप देता है तो जिसको श्राप दिया जाता है उनके जीवन में बुरा होना शुरू हो जाता है। अब असली बात ये आ जाती है कि श्राप होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है, श्राप एक तरह से अगर हम इसको साइंटिफिक वे में देखें तो ये एक एनर्जी होती है जो एक इंसान दूसरे इंसान को देता है, लेकिन क्या ये सच में कोई असर करती है, ये मेन बात होती है। हम जब पहले के टाइम पे जाते हैं, हम ऋषि मुनियों के टाइम पे जाते हैं, जब राजा महाराजा वाला सिस्टम हमारे भारत में हुआ करता था, तो उस समय में जब भी किसी गुरु को, किसी ऋषि को कोई कुछ गलत बोल दिया करता या उनके साथ कुछ बुरा हो जाया करता तो वो दूसरे इंसान को श्राप दे दिया करते थे। और हमने ये भी देखा है कि वो रियल में भी हो जाता है। तो अगर हम इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें तो ये तब काम करता है जब फॉर एग्ज़ाम्पल ए इंसान ने बी को श्राप दिया, तो बी इंसान अगर ए को बहुत मानता है, उनको बहुत सम्मान देता है, उनकी बहुत इज्जत करता है, उनको बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, यानी हर एक रूप से वो उनकी इज्जत ही करता है, तब उस केस में वो उस श्राप में जो भी दिया जाता है वो उसको मान लेता है। वो इसलिए मान लेता है क्योंकि जो भी वो बात कहते हैं उस बी को ये लगता है कि भाई ए ने अगर ये बात बोली है तो ये होकर ही रहेगी। उस केस में जो उनका तर्क होता है, जो उनकी कॉन्शियसनेस होती है, उनका जो कॉन्शियस माइंड की जो इंटरफेरेंस होती है बीच में, वो नहीं आती, तो वो बात सीधी उनके सबकॉन्शियस माइंड में इंसर्ट हो जाती है और डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो बात श्राप में कही जाती है वो उनके जीवन में होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि श्राप में हम जो भी बात कहते हैं दूसरा इंसान जब उसको मान लेता है तभी ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बात कही गई है एग्जैक्ट उसी रूप में हो। इनडायरेक्ट बात भी होती है, कोई किसी को कहता है कि अब से तेरा बुरा समय आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि समय बुरा हो गया है, इसका मतलब ये है कि उनके जीवन में वैसी घटनाएं शुरू घटनी शुरू हो जाती हैं जिनसे उनका जीवन पहले जैसा नहीं रह पाता, उनको नुकसान झेलना पड़ता है, हर जगह उनका जो प्रॉफिट था पहले जैसा वो अब नहीं रहता। तो जो श्राप होता है इसको हम कह सकते हैं कि ये हिप्नोटिक सजेशन की तरह ही काम करता है, लेकिन ये किसी भी सिनेरियो से हिप्नोसिस नहीं होता। अब दूसरी बात आ जाती है काला जादू के ऊपर। काला जादू का असर उन्हीं लोगों पर ज़्यादा होता है जिनका यकीन इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा रहता है, वो जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं काला जादू जैसी प्रक्रियाओं में, तो उनके साथ इसका प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनकी मानसिकता इससे जुड़ चुकी है। वो इसी को सच्चाई मान के बैठे हैं, इसी को सच मान के बैठे हैं कि जो भी काला जादू जैसी प्रक्रिया होती है उनके अंदर कुछ भी जुड़ा होता है उसी से ही जीवन हमारा चलता है, या किसी भी प्रकार की उनकी मेंटेलिटी, उनका एक अप्रोच बन जाती है इस सिस्टम को लेके। तो जो हमारा मेंटल स्टेटस रहता है वो इस काला जादू के प्रोसेस को मान चुका होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस काला जादू जैसी चीज़ से हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाए, इनसे हमारी दूरी बढ़नी शुरू हो जाए, तो इसको हम खुद से भी स्वयं से इलाज कर सकते हैं। हम अपने लिए एक साइकिक प्रोटेक्शन बना सकते हैं, एक तरह से साइकिक प्रोटेक्शन बबल जिसको हम कहते हैं, वो हम अपने चारों तरफ बना सकते हैं जिससे किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी काला जादू जैसी कोई चीज़ हमारे ऊपर बुरा असर ना कर पाए। तो इसी से जुड़ी दूसरी बात ये आ जाती है कि आप अब साइकिक प्रोटेक्शन कैसे बना सकते हैं। देखिए, बेटर तो यही रहता है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास, किसी माइंड हीलर के पास, ऐसे लोगों के पास जाएं जो आपकी साइकिक प्रोटेक्शन बनाने में मदद कर सके, क्योंकि वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं।
लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो खुद से भी आप ये काम कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं सजेशंस की मदद से। आप जब अपने आप को सजेशंस देते हैं उस प्रकार के जिससे आप इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, तो वो सजेशंस जो हैं वो उसी तरह से आपके जीवन में प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के रूप में आप ये कह सकते हैं कि मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ और मेरी जो एनर्जीज़ हैं, मेरा जो ऑरा है, वो केवल पॉजिटिव एनर्जीज़ और पॉजिटिव थॉट्स को ही एक्सेप्ट करता है। यानी कि हर प्रकार से मैं केवल सकारात्मक ऊर्जा जो होती है, सकारात्मक जो विचार रहते हैं, मैं केवल उन्हीं को ही अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ। जब इस प्रकार के सजेशन हम हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप को देंगे, ये देखिए ये कंपलसरी है, रात को सोने से पहले जो आप सजेशन देते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। ये आप इस समय जो भी विचार अपने मन में रखते हैं उनका डायरेक्ट प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो जब आप उस समय को अपने ही विकास के लिए शुरुआत करना शुरू कर देंगे, यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो वो आपके ही बेटरमेंट के लिए रहता है, आपके ही डेवलपमेंट के लिए रहता है। तो इस तरह से आप अपनी जो साइकिक प्रोटेक्शन है वो बना सकते हैं। अब जब हम कोई एक सजेशन बनाते हैं तो इसको रेगुलर रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है जब हम एक ट्रिगर भी साथ साथ जोड़ देते हैं। तो ट्रिगर ये होता है कि जब भी हम कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं तो जो सजेशन का जो इम्पैक्ट था वो दोबारा से आ जाता है हमारे ऊपर। तो ट्रिगर आप कैसे बना सकते हैं? उदाहरण के रूप में एक बड़ा सिंपल सा तरीका रहता है कि आपको अपने आप को यह बात बोलनी है कि जब भी मैं अपने माथे की तरफ ध्यान लगाकर लंबा सांस लेता हूँ तो जो मेरा ऑरा है वो एक हफ्ते के लिए फिर से रिचार्ज हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो आपने ट्रिगर बनाया है वो ये है कि जब भी आपका ध्यान आपके माथे पे रहेगा, माथा कहा जाता है जो हमारा थर्ड आई रीजन रहता है, तो जब भी आपका ध्यान वहाँ जाता है तो उसको देखकर आप एक लंबा सांस लेते हैं, और जब भी आप वो एक्टिविटी करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जो आपने साइकिक प्रोटेक्शन अपने चारों तरफ बनाया था वो फिर से रिचार्ज हो जाता है, वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये ट्रिगर है जो आपने अपने सजेशन से जोड़ रखा है। तो रेगुलर बेसिस पे जब आप इस ट्रिगर के ऊपर काम करते रहेंगे तो जो आपका साइकिक प्रोटेक्शन है वो बना रहेगा और किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उससे जो परेशानी होनी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एक और काम आप कर सकते हैं, जब भी आप अपना ध्यान अगर लगाना चाहते हैं, आप अपना मेडिटेशन अगर करना चाहते हैं, मैं पहले भी वीडियोज़ में ये दिखा चुका हूँ, आप इस प्रकार के जो चक्र होते हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी बहुत मदद करते हैं। देखिए इसमें बड़ा सरल होता है, जो ये बीच का बिंदु है आपको यहाँ ध्यान लगाना है और यहाँ ध्यान लगा के फिर से वही सजेशन जो आपने पहले बोले थे वही सजेशंस आपको फिर से दोहराने हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी किसी और प्रकार से। जब आप रात को सो रहे हैं वो चीज़ तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन साथ साथ जब आप इन चक्र का भी प्रयोग करेंगे तो आपके दिन का जो समय होता है, जिस समय आप कुछ और काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय आप इस पर ध्यान लगाना शुरू कर सकते हैं। आपकी थॉट पावर जो रहती है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है, आपका फिर से जो प्रोटेक्शन रहती है वो मजबूत होनी शुरू हो जाती है, और इस प्रकार की जो चीज़ें रहती हैं, जैसे श्राप जैसी चीज़ें हैं, काला जादू जैसे जो कंसेप्ट्स रहते हैं, इनसे आपकी दूरी होनी शुरू हो जाती है और इनका जो गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ा रहता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एक बात हमें समझनी है, जो ये श्राप होता है, वरदान होता है, ब्लैक एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी या सकारात्मकता होती है, जो इस तरह के कंसेप्ट्स होते हैं, ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट का काम करते हैं। प्लेसिबो इफ़ेक्ट यानी कि ये वो इफ़ेक्ट होता है कि जब हम छोटा बच्चा जब होता है उसको जब चोट लग जाती है तो वो कहता है चोट लगी, तो हम कह देते हैं, हम उसको पुचकार देते हैं चोट को कि देखो एकदम ठीक हो गया, और वो मान लेता है। हमने कोई दवाई नहीं लगाई, हमने केवल हल्का सा जो चोट थी वो साफ़ कर दी, लेकिन ना कोई खाने की दवाई दी, ना लगाने की दवाई दी, और बच्चे को दर्द होना ख़त्म हो जाता है। ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है। तो जो ब्लैक एनर्जी टाइप की जो चीज़ें रहती हैं, जो एनर्जीज रहती हैं, इनका भी प्लेसिबो इफ़ेक्ट ही होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हम उनको लेके जो हमारी मानसिक जो सोच रहती है वो रियलिटी मानती है इन सब चीज़ों को, चाहे काला जादू हो, श्राप हो, पॉजिटिविटी तक क्यों ना हो। अगर हम इन चीज़ों को मानते हैं तो ही इनका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। अगर आप इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते हैं तो इनका असर भी आपके ऊपर नहीं होगा। ये सारा हमारे मन से जुड़ा है।
सब कुछ, ये जो एनर्जी इसका खेल रहता है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव श्राप वरदान इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं, ये सब हमारे मन से, हमारे जो सोचने की जो प्रक्रिया है उन सब से जुड़ी रहती है। हमारी जो अप्रोच रहेगी इन कंसेप्ट्स को लेके, वही रिज़ल्ट हमारे ऊपर आएगा। तो बेटर यही होता है, अगर आप इन चीज़ों में यकीन रखते हैं तो अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव व सकारात्मक रखें। उसके लिए आप मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं, ध्यान लगाना शुरू कर सकते हैं, इवन सेल्फ हिप्नोसिस की भी मदद ले सकते हैं। क्योंकि सेल्फ हिप्नोसिस से जो आप हिप्नोटिक सजेशंस होते हैं उनका जो असर होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब उनका असर बढ़ जाता है तो जो पॉजिटिव आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे चेंज अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफ में, वो विजिबल होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि या तो आप या फिर आपके नोन में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है जो इन तरह के कंसेप्ट से परेशान है और इनसे छुटकारा पाना चाहता है, इनसे दूरी बनाना चाहता है, तो आप चाहें तो जो एक्सरसाइज मैंने आपको इस वीडियो में बताई है आप या तो वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, या तो आप अपने नियर बाय किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। जो भी आपके थिंकिंग पैटर्न रहता है अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए केवल आपको सही डायरेक्शन में सही प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करना पड़ता है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी कि अपने मन को जब भी आप मजबूत रखेंगे और जितना मजबूत रखेंगे उतनी ही सफलता आप अपने जीवन में पाते रहेंगे। सारा खेल हमारे मन का रहता है, तो सदैव इसको मजबूत रखें, पॉजिटिव रखें और आप देखेंगे कि किस प्रकार और कितनी जल्दी आप अपने जीवन में और सक्सेस छूते चले जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह का कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट भी ज़रूर करें।